Welcome to Sriram Online Classes. Myself Sunil Tara. Today we are discussing poetry part of class 10. हमारे सिलेबस में पहली पोइम है रिस्क जोखिम. जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है. यह एक मोटिवेशनल पोइम है जो हमें मोटिवेट करती है. इसका फर्स्ट स्टेंजा है, To laugh is to risk appearing the fool. लाभ हंसना रिस्क जोखिम है. अपीयरिंग जो प्रकट होता है, प्रतीत होता है, टू फुल जब हम हंसते हैं तो हमारे मूर्ख होने का प्रतीत, मूर्खता का जो जोखिम है वो निहित रहता है. टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल. जब हम रोते हैं तो उसमें हमारा जोखिम रहता है. कौन सा जोखिम प्रकट होता है? हमारे भावों का, सेंटिमेंटल. हमारे भावों का जो जोखिम है, भावुक होने का, वो उसमें निहित रहता है कि जो रोने वाला है वो व्यक्ति भावुक रहता है. टू रीच आउट फॉर अनदर. जब हम किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करते हैं, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट यानी उसमें संलिप्तता का जो जोखिम है वो निहित रहता है. जब हम किसी की सहायता करते हैं उसके बदले में सहायता मिले, इस बात का जोखिम रहता है. फर्स्ट, टू एक्सपोज फीलिंग्स टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. जब हम हमारे खुद के जो भावनाएं हैं उसको दर्शाने के लिए हमारे खुद में जोखिम रहता है कि हमारी सच्चाई है वो किसी को पता न चले. टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल. जेनेट रैंड इसमें बताने जा रहा है कि जो हमारा हंसना है वो हमारे मूर्खता का जोखिम है वो उठाता है. रोते हैं जब भावुक होने का जोखिम रहता है. जब हम किसी की सहायता करते हैं तो बदले में हमें सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात का जोखिम रहता है. फिर हम हमारे जो भावनाएं होती हैं उसको व्यक्त करते हैं जिससे हमारी सच्चाई है वो न पता चले, इस बात का जोखिम उसमें रहता है. सेकंड स्टेंजा है, टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग. जब हम हमारे विचारों और कल्पनाओं को लोगों की भीड़ में प्रस्तुत करते हैं तो हमारे क्या है, अनुभवहीन नेव्स का मतलब अनुभवहीन या नौसिखिया होने का जो जोखिम रहता है. टू लव इज टू रिस्क नॉट बी लव्ड इन रिटर्न. जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो बदले में प्रेम नहीं लौटने का, नहीं मिलने का जो जोखिम है वो रहता है. टू लिव इज टू रिस्क डाइंग. जब हम कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसे मरने का जोखिम है वो उठाना पड़ता है. सेकेंड स्टेंज में बता रहा है पोइट कि हम हमारे विचारों और कल्पनाओं को आम लोगों की भीड़ में प्रस्तुत करते हैं तो अनुभवहीन या नौसिखिया होने का जोखिम रहता है. प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलने का जोखिम रहता है. और जब हम जीवित रहते हैं तो हमें मरने का जोखिम है वो रहता है. स्टेंज थर्ड है, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर. जब हम आशा रखते हैं तो हमें डेस्पेयर निराशा का जोखिम रहता है. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर. ट्राई जब हम प्रयासरत रहते हैं, जब हमें असफल होने का जोखिम रहता है. बट रिस्क मस्ट बी टेकन. लेकिन हमें जोखिम अवश्य उठाना चाहिए. बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग. क्योंकि जीवन में बिना खतरों के, बिना किसी जोखिम उठाए जीवन में कुछ भी नहीं है.